सीआईडी ड्रामा में फ्रिडिक्स की भूमिका निभाने वाले दिनेश पादनीस को अपने फैन से बिछड़े 4 दिन हो गए, मगर आज भी इनके फैंस का दुख ताज़ा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोग्राफीज केव। दोस्तों, दिनेश पादनीस यानी फ्रिडिक्स का इस दुनिया से चले जाने को अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आज उन्हें हम सबसे बिछड़े 4 दिन हो चुके हैं, मगर मुंबई में उनके घर के बाहर उनके फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। फैंस का कहना है कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि फ्रिडिक्स अब हमारे बीच नहीं। वो आज भी फ्रिडिक्स की मोहब्बत में उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जबकि सीआईडी की पूरी कास्ट रोज़ाना फ्रिडिक्स के घर पर मौजूद होती हैं। इनके फैंस का कहना है कि हम इस दुख की घड़ी में सीआईडी की पूरी टीम और फ्रिडिक्स की पत्नी नैना और उनकी बेटी तनु के साथ हैं। हम उन्हें ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो बिल्कुल अकेले हैं। हम हर हाल में उन्हीं के साथ खड़े हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस दुख को सह सकें। 4 दिसंबर की रात फ्रिडिक्स इस दुनिया से चले गए, जिस पर इनके फैंस का कहना है कि इस बात पर हमें आज तक यकीन नहीं हो रहा। भले ही हमने अपनी आंखों से उनका अंतिम संस्कार होते हुए भी देखा, पर दिल ये बात मान नहीं रहा कि फ्रिडिक्स अब हमारे बीच नहीं। फ्रिडिक्स के सभी फैन चाहते हैं कि वो सीआईडी की तमाम कास्ट से बात करें, क्योंकि सीआईडी का एक अहम हिस्सा फ्रिडिक्स अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे मौके पर शिवाजी सतम, दयानंद शेट्टी और आदित्य श्रीवास्तव से लोगों ने बात की, जो कि फ्रिडिक्स के घर पर मौजूद थे, जिस पर उनका कहना था कि आप ही की तरह हम भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि फ्रिडिक्स हम सबको छोड़कर चला गया। हमें उनकी बातें बहुत याद आ रही हैं। उनके साथ हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सीआईडी ड्रामा के अलावा हमारा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता था और वो अक्सर हम सबसे मिलने आया करते थे। इन्होंने ये भी कहा कि हम उनसे मिलकर अपने सारे दुख भूल जाते थे। वो हमें इस कदर हंसाया करते थे कि हमें सब कुछ भूल जाता था, मगर आज हम उन्हीं को याद करके रो रहे हैं और हमें चुप करवाने वाला भी कोई नहीं। फ्रिडिक्स के बाद हम हंसना भूल गए हैं, क्योंकि हमें बस वही हंसाया करते थे। फिलहाल मुंबई में फ्रिडिक्स के घर के बाहर लाखों फैंस मौजूद हैं, जो कि उनकी याद में तड़प रहे हैं, और उनका कहना है कि हम हमेशा उनकी फैमिली के साथ हैं और फ्रिडिक्स हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी फ्रिडिक्स के फ़ैन हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज़ केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।